अगर आप बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं और मोटी कमाई करने की तलाश में हैं, तो हम आपको एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया दे रहे हैं जहां बेहद कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में सिर्फ आपको एक बार 15,000 रुपए लगाने हैं। इसके बाद आप 3,00,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मदद भी मुहैया कराई जाती है। हम बात कर रहे हैं तुलसी की खेती के बारे में। बाजार में आजकल मेडिसिनल पौधे की जबरदस्त मांग है। इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पर खेत ले सकते हैं। तुलसी की खेती मेडिसिनल प्लांट के तहत आती है। मेडिसिनल प्लांट की खेती के लिए ना तो बड़े खेत की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा निवेश की। इस तरह की खेती के लिए अपना खेत होना भी जरूरी नहीं है, इसे आप कॉन्ट्रैक्ट पर भी ले सकते हैं। आजकल कई कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर मेडिसिनल प्लांट की खेती करा रही हैं। इनकी खेती शुरू करने के लिए आपको कुछ हजार रुपए ही खर्च करने की जरूरत है, लेकिन कमाई लाखों में होती है। आम तौर पर तुलसी को धार्मिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मेडिसिनल गुण वाली तुलसी की खेती से कमाई की जा सकती है। तुलसी के कई प्रकार होते हैं, जिनमें यूजिनॉल और मिथाइल सिनामेट होता है। इसके इस्तेमाल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए दवाई बनाई जाती है। एक हेक्टेयर खेत में तुलसी उगाने में सिर्फ 15,000 रुपए का खर्च आता है, लेकिन 3 महीने बाद ये फसल 3,00,000 रुपए तक की बिक जाती है। तुलसी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले जून जुलाई में बीजों के जरिए नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार होने के बाद इसकी रोपाई की जाती है। रोपाई के दौरान लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। 100 दिन के भीतर ये तैयार हो जाता है, जिसके बाद कटाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तुलसी की खेती भी पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ जैसी आयुर्वेद दवाएं बनाने वाली कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही हैं, जो फसल को अपने माध्यम से ही खरीदती हैं। तुलसी के बीज और तेल का बड़ा बाजार है। हर दिन नए रेट पर तेल और तुलसी के बीज बेचे जाते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।